एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। और हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये सबसे ज्यादा होता है सरफेस पे, सरफेस से ऊपर जाओगे कम होगा, अंदर जाओगे कम होगा, मैक्सिमम होता है सरफेस। आज का टॉपिक देखो आप, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सर्फेस, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ। हम सबको पता है कि भाई देखो जो अर्थ होता है, अर्थ अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है और सेंस ऑफ रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए आपको लगता है कि जो सन है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सेट्स इन वेस्ट, असल में इट इज द रोटेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट्स व्हाई यू सी सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट एंड सेटिंग डाउन इन वेस्ट। सो ध्यान से देखना बेटा, अगर ये अर्थ है, ध्यान से देखो ये अर्थ है, अर्थ स्टेशनरी नहीं है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो अर्थ है अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है। और मैंने आप लोगों को ऑनलाइन सर्कुलर मोशन भी पढ़ाया, मैंने आप लोगों को ऑनलाइन रोटेशनल मोशन भी पढ़ाया, मैंने आप लोगों को बोला कि जब 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 कोई चीज रोटेट होती है तो उसका एक एंगुलर वेलोसिटी होता है। लेट्स सपोज जहां जो अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है बेटा, ओमेगा। आप लोगों के साथ एंगुलर वेलोसिटी, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है वो उसको भी आराम से समझ आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करो। अब हम बोलोग क्या मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या, मैं बोलूंगा देखो बेटे घूमती हुई चीजों के पास एंगुलर वेलोसिटी होता है। इससे आपको यह पता चलता है कि कौन सी चीज कितना फास्ट घूमती है या कौन सी चीज कितना आहिस्ता आहिस्ता घूमती है। अगर कोई चीज ज्यादा फास्ट घूमेगा हम बोलते हैं इसका ओमेगा ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। अगर कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता घूमेगा हम बोलते हैं इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है, लेट अस सपोज हाउ मच मेरे बेटे ओमेगा। ये लाइन जो है इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटे, इक्वेटर। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ये कौन सा पोल होता है मेरे बेटे, नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल होता है मेरे बेटे, साउथ पोल। और बाकी हो गए, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, दो होता है इक्वेटर। क्या होता है, मैं अर्थ के इक्वेटर पे एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, इस ऑब्जेक्ट का मास रखूंगा मैं कितना मेरे बेटे, स्मॉल। मुझे बताओ अगर अर्थ रोटेट कर रहा है क्या ये ऑब्जेक्ट भी रोटेट करेगा? क्या आप इस टाइम अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हो? नहीं, सब कर रहे। जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ पे जो चीजें हैं वो भी रोटेट करेगी ना। मैंने पार्टिकल कहां रखा, इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर पे रखा, अर्थ घूम रहा है। जो अर्थ है अर्थ, अगर अर्थ घूम रहा है तो ये पार्टिकल भी घूमेगा ना यार, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये बहुत आसान सी बात है। अगर अर्थ घूम रहा है तो ये पार्टिकल भी घूम रहा है, किसमें, सर्कल में। द्रव सर्कल कैसा होगा, वो सर्कल ऐसा होगा। देखो आप मानो ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है। अगर अर्थ घूम रहा है, जरा मेरी उंगली की ओर देखो, अगर मैं अपनी उंगली इक्वेटर पे रखूंगा जब अर्थ घूमेगा जरा मेरी उंगली को क्या होगा, ऐसे होगा ना, इसका मतलब मेरी उंगली किसमें घूमेगी, सर्कल। तो वही मैं यहां बहुत पता लाया मुझे, अगर ये पार्टिकल ऑफ मास एम है, अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ घूमेगा, इसका मतलब ये पार्टिकल सर्कल में घूमेगा और वो सर्कल ऐसा होगा। क्या है कोई इस फैशन में ऐसा, लोगों को बोलेगा इस सर्कल का रेडियस क्या है, किसका
आप रेडियस इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा, सबके दिमाग में गया ना, क्या दिमाग में गया? पॉइंट नंबर वन क्या चलाए मैन अर्थ रोटेट्स अबाउट दिस विद एन एंगल ऑफ योर ओमेगा द पॉलिटिकल एंड द इक्वेटर टर्न्स इन अ सर्कल ऑफ वेरियस कैपिटल. अब मुझे आप बताओ इस पार्टिकल पे कौन कौन सी फोर्स है? डांस रेगो मुझे वीडियो प्लीज. अब मुझे बताओ ये पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स है? सबसे पहले होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या होगा मेरे लिए? मैं इस पार्टिकल पे फोर्स बना रहा हूं, खुद भी मैं अर्थ पे ही हूं. सबसे पहले होता है कौन सा फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा होता है टुवर्ड्स द सेंटर. नहीं आया समझ? ऐसा बच्चों को भी आता है ना, जब जब किसी पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स बनाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बनाओगे टुवर्ड्स द सेंटर. कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स पे बजे? एम जी. नहीं आया समझ? तो इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना? ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी. किस डायरेक्शन में है मेरे बजे? टुवर्ड्स द सेंटर. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब जब पार्टिकल किसी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में होता है तो नॉर्मल रिएक्शन भी होता है. लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? ऑनलाइन भी पढ़ा, ऑफलाइन भी पढ़ा. तो इस मास एम पे और एक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन. क्या होगा मेरे बेटे? नॉर्मल रिएक्शन से कॉन्टैक्ट फोर्स. जब जब कोई दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में होती है तो नॉर्मल रिएक्शन होता है. जैसे कभी आप टेबल के साथ कॉन्टैक्ट में हो, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज देयर. ओके, सो यहां एक एक फोर्स पार्टिकल पे ग्रेविटेशन एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर. कितना ग्रेविटेशन फोर्स? सॉरी मेरे साथ ओ दिमाग में रहो, दिमाग में रहो. इस पे सबसे पहले कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स. कितना ग्रेविटेशन फोर्स है मेरे साथ? कितना ग्रेविटेशन फोर्स? एम जी टुवर्ड द सेंटर. और कौन सा फोर्स है मुझे? नॉर्मल रिएक्शन. और कौन सा फोर्स है मुझे? हां ओ center. So towards the center, eight ports, and from the center, two ports. Good ones are
direction. Over super opposite way. एक का अपोजिट एक्सेलरेशन होता है सेम किसके अलावा होता है सेकेंडरी एक्सेलरेशन और ये का आर नहीं आया सवाल कॉपी करो फिलहाल इतना कॉपी करो फिलहाल आप इतना कॉपी करो जब भी करोगे लिखो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास Small M. Consider an object of mass small m placed at the equator. Placed at the equator. जल्दी से हाथ इस पुश ऑफ करके लिखो. Let omega be the Let omega be the angular velocity. Let omega be the angular velocity. किसका angular velocity? मेरा. Earth. Let omega be the angular velocity of Earth. Very good. First stop करके लिखो. The particle of mass small m moves in a shabash mere dadish pete moves in a circle very good moves in a circle of radius kitna capital r very good of radius capital फुल स्टॉप करके साइड डायग्राम बनाओ अच्छा सर प्यारा सा डायग्राम Number two,
direction away from the center of earth. Number two, normal reaction away from the center of earth. Number three, pseudo force नहीं देखेंगे, हम देखेंगे centrifugal force. Centrifugal force ही होता है pseudo force. ब्रैकेट में लिखना इसको, pseudo force. Centrifugal force, ब्रैकेट में लिखेंगे pseudo force. कितना है? M omega square R. Very good. M omega square R acting away from the center of earth. Acting away from the center of earth. Acting away from the center of earth. Forces हमने बनाया. कोई बनाकर कितना ही? अगर आपको फोर्सेस बनाने आते हैं ये क्वेश्चन खत्म हो गया. कुल मिलाकर कितने फोर्सेस हमने बनाए? तीन. लो बोलते हैं क्या? नंबर वन एमवी डॉलर सेंटर बॉम डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर एम ओमेगा स्क्वायर ऑफ आर अवे फ्रॉम द सेंटर. अब मुझे बोलो अर्थ के फ्रेम में ये पार्टिकल रेस्ट पे है. आप बोलोगे सर कैसे? मैं बोलूंगा बेटे अभी मैं किस फ्रेम पे काम कर रहा हूँ? ध्यान से जमा नहीं गोली खाएगी. अभी मैं किस फ्रेम में काम कर रहा हूँ? मैं तो फ्रेम मैं किस फ्रेम में हूँ अभी? कितना हूँ? अरे भाई अर्थ के फ्रेम में है ना हम सब. मैं किस फ्रेम में हूँ? अर्थ के फ्रेम में. किस फ्रेम में? आप किस फ्रेम में हो? वेरी गुड. तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये बच्ची को बोलूंगा ये रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट तो इक्विलिब्रियम में है ना. इसमें नेट फोर्स कितना होगा? इस पे नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स एफ नेट. नेट फोर्स कितना होगा? क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है. इस पे नेट फोर्स कितना होगा? इसी तरह मेरे हिसाब से ये पार्टिकल भी रेस्ट में है ना. क्यों? क्योंकि हम किस फ्रेम से काम कर रहे हैं? अर्थ के फ्रेम. अर्थ के फ्रेम से अर्थ में जो कोई भी चीज है वो किस पे होगा? रेस्ट पे. अरे कदर पे गया दानशा या तालमा हो गया दानशा तो क्या होना? अर्थ के फ्रेम से अगर हम अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे भाई हमें वो रेस्ट पे लगेगा ना. और मैं रोज बात पे हमें रेस्ट पे लगे तो ये वाला पार्टिकल भी किस पे लगेगा? रेस्ट पे लगेगा. तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? मतलब जितने भी अंदर के फोर्सेस वो सारे के सारे कैंसिल होंगे किन के साथ? बाहर वाले फोर्सेस के साथ. नहीं आया समझ? इसका मतलब अंदर वाले फोर्सेस कटेंगे बाहर वाले फोर्सेस के साथ क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है. अर्थ के फ्रेम के हिसाब से वही लिखना है. देखो सिंस द पार्टिकल इज एट रेस्ट ध्यान थोड़ा पढ़ना मैं ग्रुप दो. सिंस द पार्टिकल इज एट रेस्ट शाबाश एंजल जोया है कोई. सिंस द पार्टिकल इज एट रेस्ट फ्रॉम अर्थ स्पेस F net is equal to zero. Heart broken soil. आपको समझ में आ रहा है? F net is equal to zero. दिल का हाल आपको समझ में आ रहा है? और आप लोगों को क्या हो गया? आप लोग एंजल लिखो कोई बात नहीं. आप लोग कैसे लिखते हो? A N G L E ये कौन सा एंजल है? ये तो एंजल है. एंगल जोया फिर दिखना चाहिए. ट्राइंगल जोया मतलब कुछ इस तरह होता है. हाँ बैगुत सुन से बोला है फकीर शेर हार्ट ब्रोकन आदत शोर्ट शेबीर ऐसे ऐसे नाम आप सोशल मीडिया पे रखते हो. सीधे अपना नाम रखना तो देखोगे ये भी आलिया पिंग चलो अच्छे. एफ नेट इज इक्वल जीरो. व्हेन वी से एफ नेट इज इक्वल जीरो वी मीन क्या?
देखो अंदर वाले प्रोसेस बनेंगे, अब अंदर वाला फेस कौन सा है? वो एंजल नहीं, एंजल नहीं, हाँ अंदर वाला फेस कौन सा है? एफ जी, ये किसके साथ करेगा? बाहर वाले को दो बार बोलें, एम प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, एम प्लस एम ओमेगा स्क्वायर खत्म। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी, उसको उधर किया उसको उधर किया, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना। इट इंप्लाइज जो एन है ना, एन के बदले लिखेंगे एम जी डैश, क्या लिखेंगे? प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी। अब एम एम और एम क्या होगा आपस में? कैंसिल। इसका मतलब जो जी डैश है ये किसके बराबर आएगा? जी माइनस, ये ओमेगा स्क्वायर आप उधर, तो ये माइनस हो गया ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें चाहिए। मैं पहले इक्वेशन समझाऊंगा, बाद में आप लिखो। देखो ये ठीक है, चार चार ये ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी डैश है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मगर फर्क है, ये जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विदाउट रोटेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे, मगर अर्थ की रोटेशन के बगैर, ये जी डैश क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे, मगर अर्थ की रोटेशन को साथ मिले। सो व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस विदाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ, व्हाट इज जी डैश? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस विद रोटेशन। दानिश बेटे ये जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस विदाउट द रोटेशन इफेक्ट, ये जी डैश क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस विद द रोटेशन इफेक्ट। रोटेशन इफेक्ट किस टर्म से क्लियर होता है, मतलब विच टर्म इन द थ्री डिपिक्ट्स द रोटेशनल इफेक्ट? मुझे बताइए। ये रोटेशन मतलब घूमना, घूमना मतलब एंगुलर वेलोसिटी, मतलब रोटेशन इफेक्ट किसमें है? किसमें? ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं आया, नहीं आया। सो व्हाट इज जी डैश? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विदाउट द रोटेशन। कॉपी करो, शाबाश। Since the particle is at rest from Earth's frame, यहां से at rest is equal to zero, this is this is जब इसलिए very good, तब पे मेरा को तो लिखो equation number one, नीचे लिखो why. जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वायर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऐसे लिखते हैं एडीजी, शॉर्ट वायर जी इज द एडीजी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सर्फेस, ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ, वायर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth, mother, without the rotation, very good, without rotation of earth. Niche likhenge O, G dash is the acceleration to gravity, governor baby, जी डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ मगर विद टेकिंग इट अकाउंट विद द रोटेशन ऑफ, विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब
मैं आपको पूछूंगा एक नस्ली का सवाल और मुझे पता है आप सब गलत बोलोगे। ज्यादा बोलोगे, ज्यादा जी डैश है कि ज्यादा जी है? गौरव ज्यादा कौन है? पापा की परी बोल, ज्यादा कौन है? जी ज्यादा है कि जी डैश ज्यादा है? कुछ दफा ऐसा क्या लेना देना मुझे छोड़ तो जो भी है मेरे को डर। ओ भाई ज्यादा कौन है? जी ज्यादा है कि जी डैश ज्यादा है? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ
on ADG. On ADG. What is ADG? Acceleration to the derivative. At any place, at any place, at any place of Earth, effect of rotation of Earth on acceleration due to gravity at any place of Earth. इसका मतलब अब हम अपने पार्टिकल को इक्वेटर पे नहीं रखेंगे. अब हम अपने पार्टिकल को इक्वेटर से हटाकर किसी भी जगह पर रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे, ये मैंने बताया अर्थ, ध्यान से देखिएगा मेरी ओर, ये है इक्वेटर. लेट्स सपोज हमारा पार्टिकल यहाँ पर है. आप पूरे पार्टिकल का मास कितना है मेरे बेटे? एम. कौन सा है? हाँ बेटे, देन मेरी ओर प्लीज. दिमाग है बेटे? और दिमाग है, सारा दिमाग इस टाइम मुझे आपका चाहिए. पूरा बोर्ड की ओर फोकस, दिमाग में बोर्ड और कुछ भी नहीं. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सारा अटेंशन इधर. अगर मुझे इस पार्टिकल का लोकेशन डिफाइन करना है फिजिक्स में, तो मैं इसका लोकेशन डिफाइन कर सकता हूं. जरा ये बताइए. हाँ क्वेश्चन है, मतलब इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ. कितना रेडियस है? क्या है ना, ये एंगल है, इसको बोलते हैं लैम्डा. क्या बोलते हैं मुझे? इसको जो रहने में बोलते हैं लैटिट्यूड. सुना है ना? लैम्डा मतलब लैटिट्यूड. अगर मुझे पार्टिकल का लैम्डा पता है तो मुझे पार्टिकल का लोकेशन पता है. एज एन एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा मेरे बेटे. अगर मेरा पार्टिकल इक्वेटर पे है, कहां पे है? मुझे वो ध्यान रखना पड़ेगा. यार ये पार्टिकल को ध्यान करके यहां लाओ. लैम्डा मतलब जीरो. इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, मतलब द लोकेशन इज. अरे बात करो भाई, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो मतलब लोकेशन इज इक्वेटर. नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, अगर मुझे नॉर्थ पोल पे जाना होगा, ये पार्टिकल मैंने नॉर्थ पोल पे लिया, जरा जानता क्या बनेगा? मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 90 मींस द पार्टिकल इज एट नॉर्थ पोल. छोटी समझ में आया? आपके पीछे जो छोटी गोली, छोटी आयरन वाली, छोटी नहीं आयरन के बगैर वाली, आपको समझ में आया? बेटा शर्मा ने हाँ या ना बोलो, समझ आ रहा है क्या? वो जाने से मुझसे दो बोलो. अब आ रहा है समझ? क्या मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे पार्टिकल का क्या पता होगा? लैम्डा. तो मुझे पार्टिकल का क्या पता चलेगा? लोकेशन. अगर इक्वेटर पे जाना है तो लैम्डा का वैल्यू, अगर पोल्स पे जाना है तो लैम्डा का वैल्यू. शाबाश. अगर मैं बोलूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 30 अलग लोकेशन, लैम्डा इज इक्वल टू 40 अलग लोकेशन, लैम्डा इज इक्वल टू 50 अलग लोकेशन. इसी तरह कश्मीर जो जगह है, इसका भी अपना कोई लैम्डा होगा जो मुझे पता नहीं है. जो जो लैटिट्यूड जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कश्मीर का लैटिट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड क्या है. आई डोंट नो. तो चलो, इसका मतलब लोकेशन मतलब लैम्डा. लोकेशन मतलब क्या? अब देखो इक्वेशन ये है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर. आपने पढ़ा ये इक्वेशन? हमने पढ़ा. और किसने पढ़ाया? और किसने पढ़ाया? और पहले कब? अभी अभी इक्वेशन. दिस विल टेल अस द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस. इस इक्वेशन में दो दो चीजें. नंबर वन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन भी है ना? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. इफेक्ट ऑफ रोटेशन है कि नहीं है? इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर. रोटेशन का इफेक्ट है? अरे रोटेशन का इफेक्ट है इक्वेशन, रोटेशन का इफेक्ट है. इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा. नहीं आया सवाल? मतलब इस इक्वेशन में दो ही चीजें, रोटेशन भी है, रोटेशन भी है, रोटेशन भी. इसीलिए अच्छा इक्वेशन यही है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर
while lambda is the latitude of the particle. देखो बस सिर्फ इक्वेशन लिखो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा वेरी गुड नीचे वायर वायर हाँ तीन चीजें मेरी तरफ मेरी तरफ व्हाट इज जी डैश एक्सेलरेशन देखो ग्रेविटी विद रोटेशन व्हाट इज जी एक्सेलरेशन देखो ग्रेविटी विदाउट रोटेशन इनको आपने देखने की जरूरत है हम सिर्फ देखेंगे क्या लैम्डा लैम्डा इज लैटिट्यूड ऑफ द पार्टिकल या प्लेस भी जहां पर आपने पार्टिकल को रखा लोकेशन ओके ओके चलो बेटे चलो बेटे अब देखो स्पेशल केसेस इसी इक्वेशन के नीचे स्पेशल केसेस स्पेशल केस नंबर वन एट इक्वेटर स्पेशल केसेस स्पेशल केस नंबर वन एट इक्वेटर जरा बोलो इक्वेटर में लंबा का वैल्यू एट इक्वेटर लंबा इज इक्वल टू जीरो तो बताओ जी डैश इसके बराबर बनेगा शाबाश तो जी डैश इसके बराबर बनेगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इधर लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है जीरो कॉस जीरो किसके बराबर होता है वन तो ये होगा ना ओमेगा स्क्वायर आर इनटू वन वो होगा ना ओमेगा स्क्वायर आर मतलब इक्वेशन क्या बनी इक्वेशन में क्या बनी इक्वेशन जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हमने इसको डिराइव किया था पहले ही आ जाना बोलो तो क्या हमने इसको पहले डिराइव किया था इसने भी वही बोला जो हमने डिराइव किया मतलब जो हमने डिराइव किया था वो बिल्कुल सही नहीं आया नहीं आया नहीं अरे समझ में आया अरे क्वेश्चन बेटे समझ में आया तो कर लो सोशल केस नंबर टू एट पोल्स एट पोल्स कौन से पोल्स होते हैं देखो मेरे बेटे एट पोल्स पोल्स पे लैम्डा को क्या होता है चलो अगला स्पेशल केस एट पोल लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं आया नहीं आया जरा मेरे को बोल जी डैश किसके बराबर शाबाश मेरे पागल बेटे जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस स्क्वायर आर cos 90 के बदले cos 90 होना जीरो तो g माइनस जीरो इसका मतलब g डैश इज इक्वल जी है कोई माइक का लाल जो मुझे बोलेगा इसका मतलब क्या है रोटेशन g डैश इज इक्वल जी इसका मतलब क्या है रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं हां इसका मतलब है अर्थ की रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पोल्स पे कोई भी इफेक्ट मतलब हर जगह जी का वैल्यू कम होता है एक्सेप्ट एट द पोल्स जहां जी है तो जी आपस में बराबर होते हैं इसको नीचे नोट करके लिखो देयर इज नो इफेक्ट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एटीजी There is no effect on the value of ADG. What is ADG? At the poles. At the poles. Pass. खत्म. अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा. जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया ना, उसी का सवाल मैं थोड़ा different words में पूछूंगा. और मुझे पता है आप लोगों को नहीं आएगा. क्वेश्चन देखो क्या है समझना मेरी बात 1:05 मॉर्निंग यू वेक अप एंड देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज द ब्रेकिंग न्यूज इज अर्नब गोस्वामी इज सेइंग आर
आज की बड़ी खबर, अर्थ हैज स्टॉप रोटेटिंग. अब अर्थ घूमता होगा, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? दैट्स योर क्वेश्चन. शाबाश. अगर अर्थ घूमना बंद करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या होगा? कुछ मानते हैं क्या होगा? जीरो. जीरो. मारो मारो भाई मारो. इंक्रीज सर. इंक्रीज है. लगा डबल में मत डबल क्या करते हैं? इंक्रीज रोटेशन. विदाउट रोटेशन ज्यादा सेक्टर ड्यू टू टेंशन इसकी के लिए रोटेशन बन गई. वेरी गुड. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल इंक्रीज. द मैंने भी बोला. हां तो बोला. वेरी गुड. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल तब अभी क्या है? जो बॉल लगाए हो रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती? तब अब अगर रोटेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा हर जगह. एक जगह नहीं बढ़ेगा. एक जगह नहीं बढ़ेगा. बताओ क्या? फोर्स. क्यों? क्योंकि फोर्स पे रोटेशन का इफेक्ट होता ही नहीं है. नहीं आना. नहीं आना. नहीं आना. देखो इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग. अब कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे समझ नहीं आया क्योंकि गौतम को भी समझ आया. इसने फिजिक्स आज से 9 साल पहले छोड़ दी. इसको समझ में आया आपको क्यों नहीं आया होगा? इसलिए आज के बाद हमेशा मेरी क्लास में गौतम बैठे. गौतम ने समझ डाला तो लाइफ जीतना है. चलो इफ द अर्थ स्टॉप. उसने क्या है कि कह पा स्टॉप. इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग the value of acceleration due to gravity. If the earth stops rotating, the value of acceleration due to gravity will increase. Will increase. Badhega, badhega, badhega. Everywhere on the surface of earth. Everywhere. Nicole. Angel Zoya. Everywhere. On the surface of accept. Accept and the poles. Batao kyun? Because poles pe earth ki rotation ka effect hota hi nahi. Nahi aaya samajh. Baaki ka. Sir, Bermuda triangle ka case kya hai? Bermuda triangle jo hai.